शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नागपुर के अंबाजरी तालाब के सामने क्रेजी केसल भले ही बंद हो, लेकिन क्रेजी केसल परिसर से बहने वाली नाग नदी में पिल्लर खड़े करने को लेकर मनपा ने नोटिस देकर अनधिकृत पिल्लर निकालने को कहा है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता संजय मिरे की रिपोर्ट। दर्शकों, इस समय में इनबीसीएन की टीम है अंबाजरी के उस रोड पर, जहां पे ठीक उसी के सामने में है क्रेजी केसल। जी हाँ, ये वही क्रेजी केसल है। आप देख सकते हैं कि ये 6.5 एकड़ में बना क्रेजी केसल हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल वाटर कम एम्यूजमेंट पार्क के नाम से यहाँ एक बोर्ड लगाया गया है। कहने का तात्पर्य ये कि हल्दीराम मेसर्स हल्दीराम पिछले 20 वर्षों से इस 6.5 एकड़ में इस तरह का एम्यूजमेंट पार्क लोगों के लिए, मनोरंजन के लिए यहाँ पे खुला करके गए थे। आज भी उनका कार्य शुरू है, लेकिन लॉकडाउन के चलते और कुछ तकनीकी बातों को लेकर, चाहे एनआईटी और एनएमसी की कुछ तकनीकी बातों को लेकर, यह एम्यूजमेंट पार्क यानी क्रेजी केसल पूरी तरह से बंद है। अब भीतर क्या हो रहा है ये हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। आइए हमारे साथ। ये वही क्रेजी केसल का एक बहुत बड़ा सा विशाल लकड़ी का दरवाजा है जिसे हम खोल रहे हैं। अंदर अभी हम आपको लेके जाते हैं। आइए हमारे साथ आइए। दरवाजा खुलते एक नजारा आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे क्रेजी केसल का ये वही परिसर है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़े बड़े गुम्बद और नजर जहां टिक जाती है, इस प्रकार के यहाँ पे बहुत एक से बढ़कर एक ऐसे कुछ वस्तुएं कुछ लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। कुछ देश की प्रतिकृति भी यहाँ पे दिखाई देती है। इस तरह का ये जो कामकाज है यहाँ पे किया जा रहा है, यहाँ गार्डन भी है। सबसे पहले हम आपको अभी हमारे साथ आइएगा। एक्चुअल में ये हुआ है कि एनआईटी और एनएमसी इन दोनों के बीच में मेसर्स हल्दीराम को किस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, और मेसर्स हल्दीराम क्या उन्होंने क्या किया है, यही आपको बताएंगे। कि जिस परिसर से हम आपको लेके चल रहे हैं, आप ये जो दृश्य देख रहे हो ये वही परिसर है 6.5 एकड़ में। 6.5 एकड़ में यहाँ पे एक नाग नदी, ये बहुत बड़ी शहर की नाग नदी जिसे नागपुर शहर की आन बान और शान कहा जाता है, उसी नाग नदी को जाना और पहचाना जाता है। ये वही नाग नदी है जो एक छोटे से नाले के जैसी दिखाई देती है। आगे से हम आपको पूरा इसके समाचार पूरा बताने वाले हैं। आइए हमारे साथ। तो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, अंदर में बहुत विशाल दरवाजा है। अब हम आपको थोड़ा उस ब्रिज की ओर लेके जा रहे हैं। ये वही ब्रिज है। यूं तो कलकत्ता में भी इस प्रकार का एक हावड़ा ब्रिज है, लेकिन हावड़ा ब्रिज काफी बड़ा है। ये जो ब्रिज है इसको खासतौर पर बनाया गया है। इसी ब्रिज पे जो लोग आते हैं कुछ इस प्रकार से सबसे पहले यहाँ बैठते हैं, उसके बाद इस ब्रिज से वो आगे चलते हुए नजर आते हैं। यही ब्रिज की खासियत है। ये ब्रिज में आते ही आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जिस नदी का जिक्र हम कर रहे थे ये वही नाग नदी है। जी हाँ, थोड़ा पैन करके बताइए कि ये जो नाग नदी है क्रेजी केसल में जो नाग नदी है, नाग नदी को लेकर 6.5 एकड़ का ये जो पूरी जगह है, इसमें नाग नदी के ऊपर में आप देख सकते कि यहाँ पे कुछ सीमेंट के ऐसे पिलर भी बनाए गए हैं और लोहे के रॉड भी वहाँ पे लगाए गए हैं, और ऊपर से जाने के लिए जैसे मानो एक स्लैब जो होती है इस प्रकार की यहाँ पे लगाई गई थी, मगर इसे निकाल दिया गया है। कटर की मशीन भी यहाँ पे आ चुकी है। मैं सिलसिलेवार आपको यदि बताना चाहूँ तो मैं यही बता देता हूँ दर्शकों के, नागपुर के अंबाजरी तालाब के अंतर्गत आने वाले क्रेजी केसल, ये हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड, इन्हें एनआईटी की ओर से बीओटी यानी बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर इस तत्व पर 20 साल के लिए चलाने के लिए एनआईटी ने ये जगह दी थी। बनपा ने आज इनको नोटिस दिया है। इस समय हमारे साथ में क्रेजी केसल के केयर टेकर है, उनसे जानना चाहेंगे। सर आप बताइए क्या कहना चाहोगे। नहीं, हमको ये जो टेम्परेरी ब्रिजेज बने हुए हैं इनको हटाने का नोटिस एनआईटी ने दिया, जो कि ऑलरेडी सब सेंक्शन था एनआईटी के नकाशे के हिसाब से सब सेंक्शन है, तो फिर भी एनआईटी का नोटिस आया है। जो टेम्परेरी सारे टेम्परेरी ब्रिजेज है लोहे से बने हुए, उनको हटाने का आदेश आया है। तो क्या आज आपने क्या काम किया यहाँ पर? ये उसको हटाना कटवाना चालू है।
जो बताया है। जिस तरह से आज ये क्रिमजी केसर की जो हालत बनी हुई है, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि कभी कभार यहाँ पे दर्शकों की काफ़ी भीड़ नज़र आती थी, कई शहर के लोग आते थे, कई परिवार यहाँ पे मनोरंजन के लिए आता था। आज कैसा लग रहा है? क्या लॉकडाउन के चलते कितना यहाँ पे लोग प्रभावित हुए अपने रोजगार को लेकर? नहीं, लॉकडाउन से पहले ही सर प्रभावित हो गए थे, क्योंकि ये मेट्रो को ट्रांसफ़र कर दिया गया था 31 मई 2018 को NIT ने इसको ट्रांसफ़र करके मेट्रो को ट्रांसफ़र कर दिया था, हमको हटा दिया गया था, मेट्रो को दे दिया ये लैंड 31 मई 2018 को। थोड़ा पैन करके बताइए आप कि देखिए किस तरह से मेट्रो के पिलर दिखाई देते हैं और मेट्रो की जो जगह है, मेट्रो का जो ब्रिज है, यहाँ से गई है मेट्रो पूरा, और इसी लाइन से शहर के हर उस गंतव्य स्थान तक मेट्रो से लोग सफ़र करते हैं। मेट्रो के लिए काफ़ी अच्छा ये ट्रैक बनाया गया है, कई ऐसे पिलर बनाए गए हैं, और मेट्रो अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है, लेकिन लोग बड़े उत्सुक है इसमें बैठने के लिए। अगर जैसे ही लोगों को कुछ सुविधा मिल जाएंगी, कम उसके रेट होंगे, तो लोग इसी ब्रिज से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि मेट्रो आने से क्रेजी केसर ये पूरी तरह से ज़मींदोज हो गया है, और जिसके चलते बच्चा बुच्चा जो काम था वो भी ज़मींदोज होने की कगार पे है। इससे मिसेस हल्दीराम का तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन ख़ास बात यह है कि शहर के जो नागरिक है, जो मनोरंजन अपने बाल बच्चों को लेके, अपने परिवार को लेके जो सप्ताह में एक दिन यहाँ आते थे, और जो स्ट्रेस उन्हें जो होता था, उस तनाव को कम करने के लिए जो हंसते गाते रहते थे, वो यही जगह पे आते थे। मगर अफसोस कि अब आज के बाद उनके लिए ये जगह पूरी तरह से बंद हो चुकी है। और इसी तरह से NIT और NMC के बीच जो द्वंद जो चालू है, वो कहीं ना कहीं उसकी रोकथाम हो, क्योंकि NIT के ज्यूरिडिक्शन में आने वाली ये चीज़ें अब नागपुर महानगर पालिका के भी ज्यूरिडिक्शन में आती है। अब NIT और NMC में मिसेस हल्दीराम, इनका काम पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, इससे कई लोगों का रोजगार भी गया है, और नागपुर शहर में एक क्रेजी केसर था वो अब इतिहास में जमा हो चुका है। नागपुर के क्रेजी केसर इस पॉइंट से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, NBCN न्यूज़ नागपुर।